नमस्कार, मैं निशु शर्मा, शहर की बड़ी खबरों के साथ कैथल टीवी की इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं शहर की बड़ी खबर से। आज कैथल में ENLO नेता अनिल तंवर ने बेरोजगारी के खिलाफ एक रोड शो प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने हल्ला बोलकर बेरोजगारी के खिलाफ जमकर विरोध किया और साथ ही साथ उन्होंने केवड़ा कार्यालय से पेवा चौक तक मोटरसाइकिल पर रोड शो किया। रोड शो करने से पहले ENLO कॉलेजों के युवा इकाइयों का गठन किया। शिक्षा तालमेल कमेटी कैथल के आह्वान पर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सीवन में चल रहे FLN प्रशिक्षण शिविर का पूर्ण बहिष्कार किया गया। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के जिला प्रेस सचिव शमशेर कुमार, राजकीय अध्यापक संघ के राज्य सचिव सतीश यादव व जिला प्रधान संदीप शर्मा, प्राथमिक शिक्षक संघ के खंड प्रधान अश्विन आहूजा और हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के खंड प्रधान रामफल देओरा ने कहा कि पिछले समय में भी कैथल, कलायत व गुल्ला से इसी तरह के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया था, जिसका शिक्षक तालमेल कमेटी के द्वारा पूर्ण बहिष्कार किया गया था। नगर परिषद के चुनावों से पूर्व वोटर लिस्ट को फाइनल करने की प्रक्रिया चल रही है। शहर में नगर परिषद ऑफिस, RKSD कॉलेज, ITI और जिला सचिवालय में अलग अलग वार्डों के लिए केंद्र बनाए गए हैं। यहां आम मतदाता के साथ साथ चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग अपने अपने वार्डों से संबंधित वोटों को ठीक करवाने के लिए दावे व आपत्तियां दर्ज करवा रहे हैं। सोमवार को मात्र 25 आपत्तियों ही दर्ज की गई। बता दें कि अभी तक सरकार ने नगर निकाय के चुनावों को लेकर कोई डेट तय नहीं की है, लेकिन प्रशासन इसके लिए तैयारियां करने में लगा हुआ है ताकि किसी भी दिन सरकार चुनावों के बारे में घोषणा करे तो उनकी ओर से किसी प्रकार की देरी ना हो। कैथल पशुपालन विभाग की ओर से भिवानी में आयोजित पशुपालन प्रदर्शनी में बस सुविधा दी जाएगी। इसके लिए पशुपालन विभाग ने रोडवेज से 3 बसें किराए पर ली हैं। आने जाने के खर्च का वहन पशुपालन विभाग द्वारा किया जाएगा। इसी के लिए पशुपालकों को 24 फरवरी से पहले नजदीकी पशु अस्पताल में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पशुपालकों को पशु प्रदर्शनी में ले जाने के लिए पशुपालन विभाग ने रोडवेज विभाग के साथ तालमेल किया है। पशुपालन विभाग ने रूट तय कर विभाग को सौंप दिया है। जो रूट पशुपालन विभाग ने तय किए हैं, उन्हीं रूटों से रोडवेज बसें चलेंगी। कैथल अखिल भारतीय साहित्य परिषद जिला इकाई कैथल की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर सेवा संघ भवन जवाहर पार्क में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान कवियों ने अपनी रचनाओं से भाव विभोर कर दिया। सेवा संघ के महासचिव शिवशंकर पावा ने गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे साहित्य सभा के प्रधान एवं वरिष्ठ साहित्यकार अमृत लाल मदान ने कहा कि हमें अपनी भाषा की और संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। हमें सभी भाषाओं, बोलियों और सभी संस्कृतियों का आदर करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पे हमारे पेज को लाइक कीजिए। शुक्रिया।